यार अभी ये वापस जा रहे हैं हम बैंकॉक की तरफ। यहाँ से अभी ये चेकआउट हो रहा है यहाँ से होटल से। और ये भाई हैं इस होटल में, क्या नाम है इस होटल का? पिन बलोच। और आपका नाम क्या है? डीके। डीके। लेकिन यार इतनी भी क्या जल्दी है बैंकॉक जाने की? पहले बताया तो देख लो। तो इसलिए भैया पीछे तो देखो। अजय सांसु था तैयार थे है ना? बताया जो पहले कभी एक छोटा सा फिशिंग टाउन हुआ करता था, आज एक काफी बड़ा शहर बन गया है जहाँ पे दुनिया भर से हजारों लोग आते हैं। लेकिन आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है क्या? मुझे भी नहीं। वो वैसे भी दिस वीडियो इज इन अबाउट पताया। दिस वीडियो इज अबाउट मी, माय कजिन्स एंड माय सिब्लिंग्स। हाँ वो सच है कि है पताया में, तो इसलिए पहले थोड़ी पताया की ही बात कर लेते हैं। पताया वैसे तो काफ़ी खूबसूरत और साफ़ सुथरा था और हमारे शहरों से तो काफ़ी वेल डेवलप था, लेकिन आई डोंट नो व्हाई मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। पर मेरे अलावा ग्रुप में सबको पसंद है। और ये देखें कोई गाड़ी भी है इसमें। लेकिन टू बी ऑनेस्ट शहर की बात अलग है और मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा, मुझे मज़ा तो आया। क्योंकि वैसे भी किसी ने कहा है कि इट्स नॉट अबाउट वे यू गो, इट्स अबाउट एट होम यू गो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जा रहे हैं, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप किसके साथ जा रहे हैं। और वहाँ पे तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भी करने को मिली जो कि मैं हमेशा से करना चाहता था, जैसे कि ये बुद्धिस्ट टेम्पल। मैं हमेशा से एक बुद्धिस्ट टेम्पल जाना चाहता था एंड फाइनली आई गॉट टू गो इन पताया। और ये बात देख के तो मैं बिल्कुल हैरान रह गया कि भैया इवन वो हम मुसलमान हैं फिर भी दे डिड लेट अस इन विदाउट इवन आस्किंग अवर रिलीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। पिक्चर्स भी निकाल रहे हैं और ये देखें ये बुड्ढा है, ब्लैक बुड्ढा, गोल्डन बुड्ढा और ये छोटे बुड्ढे। और भैया उसके बाद तो हमें कैसे कॉन्सर्ट में भी चले गए जिसमें समझ तो कुछ नहीं आ रहा था कि गा क्या रहा है, बस खड़े होके एंजॉय कर रहे थे सब की तरह। इससे ज्यादा भी काफी क्रेजी चीजें की हमने वहां पे। पुतलो हा। लेकिन सबसे ज्यादा क्रेजी तो भैया खाने का सीन हो गया। मुझे वैसे लोकल फूड खाने का बड़ा शौक है लेकिन कोई भी मेरा साथ दे नहीं रहा। तो सब बस बर्गर किंग और किंग क्या नाम है, हाँ KFC। तो बर्गर किंग और KFC खाना है तो नहीं हम कहीं और भी जाते हैं ना तो ये वहाँ पे रो देता है कि भैया मैं खाऊंगा तो KFC खाऊंगा वरना नहीं खाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं, आप इनसे 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 पूछो ना, ये काशिफ KFC जो बर्गर किंग जो हवाल जो ना। तो भाई अब ये हम आए हैं किंग बर्गर पे, ये पताया बीच पे है और यहाँ पर हम लंच खाने आए। हर रोज़ हम बर्गर खा के बोर हो गए थे तो इसलिए फिर हमने फाइनल डिसाइड कर लिया कि अब कुछ नया ट्राई करते हैं। और फिर हमने ये इंडियन थाली ट्राई की और इसने तो भैया ऐसा लूट लिया कि अगले दिन हालात कुछ ऐसे हो गए। अरे बाबा यहाँ तो सिंधड़ी होटल ते मिलंदो आ हैदराबाद में। अरे बाबा यो किया मिलंदो बेटा जो स्पेशल दो बाबा। और भैया फिर जब शैम्पू बेचने से भी पैसे नहीं बने तो फिर हमने सोचा कि अब शहर को दूर से ही देखते हैं, तो फिर चले गए पताया व्यू पॉइंट। वो हम ढूंढ रहे हैं वो किधर है, ये देखो वायला को भी बैठा हुआ है
और ये देखो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। हाँ खराब है, मेरी कैमरा खराब हो गई है, इसलिए नहीं बस परेशान होने की जरूरत नहीं है और इंशाल्लाह बन जाएगी, तब तक हम जो है ना इनसे ही काम चला लेंगे। और ये हाजी गुलाम सरोला को हमारे साथ मौजूद है। हाजी गुलाम सरोला को कैसे हैं आप? जबरदस्त, ये मुझे जो व्यू है जैसे इस्लामाबाद में है, मरगना की हिल्स है, बिल्कुल वो ही नज़ारा नजर आ रहा है वहाँ से, इस्लामाबाद का नज़ारा नजर आ रहा है। ये थी हमारी अब तक की जर्नी जो थी पताया में, अब इसके बाद की जर्नी बैंकॉक में, तो चलो बैंकॉक चलते हैं। ਜਿਹੜਾ ਆਗਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾ 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 ਜਿਹੜਾ ਆ